आईपीएल 2020 को लेकर गाइस यहां पे दो बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है, जहां पे गाइस एक अपडेट निकल कर आ रही है प्लेऑफ्स को लेकर और एक अपडेट निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के एबी डिविलियर्स को तरफ से। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले उन दो अपडेट के बारे में। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज एंड तक आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन गाइस मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। और गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि 80% लोग होते हैं जो कि चैनल को बिना सब्सक्राइब किए जाते हैं, अगर आप लोग उनमें से एक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं बताने जा रहा हूँ आप सभी को एक कमाल की वेबसाइट के बारे में जिसका नाम है क्रिकेटपीडिया। इस वेबसाइट में गाइस आप लोग आईपीएल 2020 के लाइव स्कोर यहाँ पे देख सकते हो, उसके अलावा आप लोग ऑल क्रिकेटर के गाइस यहाँ पे स्टेट्स को भी आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। सिंपली आपको चेक निकलने के क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको सर्च बार में क्लिक करना है। जैसे आप लोग सर्च बार में क्लिक करेंगे, सर्च बार में क्लिक करने के बाद आपको जैसे कि आज का मैच है चेन्नई सुपर किंग वर्सेस मुंबई इंडियंस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रोहित शर्मा वर्सेस सीएसके। तो गाइस जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रोहित शर्मा के सारे स्टेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और ऐसे करके गाइस आप लोग ऑल क्रिकेटर के आप लोग अभी स्टेट्स को चेक कर सकते हो। तो काफी कमाल की वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, तो जल्दी जाइए एक बार चेकआउट मारिए और गाइस यहाँ पे सारे क्रिकेटर के आप लोग यहाँ पे स्टेट को चेक कीजिए। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में। तो गाइस सबसे पहले अपडेट निकल कर आ रही है आईपीएल 2020 के प्लेऑफ्स को लेकर। तो गाइस आईपीएल 2020 के प्लेऑफ्स में गाइस यहाँ पे पूरी तरह से गाइस एक कॉम्पिटिशन कम चुकी है। और गाइस मैं सबसे पहले बता दू आईपीएल 2020 दो टीम जो की पूरी तरह से पार हो चुकी है। तो गाइस उसमें से टीम निकल कर आ रही है राजस्थान रॉयल्स की टीम और चेन्नई सुपर किंग की टीम। तो गाइस चेन्नई सुपर किंग की टीम और राजस्थान रॉयल्स की टीम जो की पूरी तरह से आईपीएल 2020 को टाटा बाय बाय कर चुकी है। और गाइस अब हम बात करते हैं कौन कौन सी टीम जो कि अभी भी प्लेऑफ्स के दौड़ में बनी हुई है। तो गाइस उसमें से टीम निकल कर आ रही है सनराइजर हैदराबाद की टीम, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम और गाइस यहाँ पे किंग्स इलेवन पंजाब की टीम। तो गाइस ये तीन टीम जो कि अभी भी प्लेऑफ के दौड़ में बनी हुई है और ये तीन टीम में से कोई एक टीम गाइस यहाँ पे पहुंचेंगी प्लेऑफ में। तो गाइस चार नंबर पे कौन सी टीम यहाँ पे जगह बनाएगी, तो आपका इस बारे में जो भी ओपिनियन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना अपना ओपिनियन आप लोग जरूर दीजिएगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। तो गाइस दूसरी अपडेट निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के एबी डिविलियर्स की तरफ से। तो गाइस एबी डिविलियर्स ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें गाइस उन्होंने कहा है कि आईपीएल 2020 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम यहाँ पे चैंपियन बन सकती है, क्योंकि गाइस उनके पास ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं एंड जिस तरह से ये टीम अभी परफॉर्मेंस कर रही है एंड सभी प्लेयर जो कि कमाल कमाल के परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कोई भी खिलाड़ी जो कि यहाँ पे नाकाम यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, सभी टीम मिलकर यहाँ पे परफॉर्म कर रही है, तभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम जो कि यहाँ पे जीत हासिल कर पा रही है। अगर हम लोग बात करें बैटिंग की, तो बैटिंग में सभी खिलाड़ी जो कि यहाँ पे काफी अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। दीप द पार्टिकल की उन्होंने बात किया, दीप द पार्टिकल जो कि यंग खिलाड़ी है, इंडिया का फ्यूचर है और एक खिलाड़ी जो कि कमाल का परफॉर्मेंस कर रहा है। उसके बाद उन्होंने बात किया विराट कोहली के बारे में। तो गाइस विराट कोहली भी कमाल के परफॉर्मेंस दे रहे, पूरी तरह से अपने कंधे के ऊपर जो कि टीम को लेकर चल रहे हैं। हालांकि वो रन नहीं बना रहे, लेकिन उन्हें पता है कि अगर मैं आउट होकर चला जाऊंगा तो मेरी टीम पूरी तरह से बिखर जाएगी। उसके बाद गाइस उन्होंने बात किया अपने बारे में भी, उन्होंने अपने बारे में यही कहा है कि मैं जब भी बैटिंग करने आता हूं तो मैं यही सोचता हूं कि आरसीबी को मैं यहां पे अंत तक ले जाऊं और आरसीबी को मैच जीता के जो कि मैं जाऊं। और जब भी हमारी आरसीबी की पहली बैटिंग आती है तो मैं एक ऐसा स्कोर यहां पे सेट करना चाहता हूं जहां पे कोई भी टीम जो कि वापसी ना कर सके। तो गाइस हमेशा यही सोच लेके आते हैं और एबी डिविलियर्स उसी तरह से जो कि वो बैटिंग करते हैं, क्योंकि गाइस इस बार आरसीबी के उन्होंने बॉलर्स के बारे में बात की, क्योंकि आरसीबी के पास इस बार ऐसे ऐसे गेंदबाज है जो कि यहां पे शुरुआती में 10 ओवर में वो 3-4 विकेट यहां पे चटका सकते हैं, उनके पास ऐसी क्वालिटी बॉलर्स हैं। उन्होंने सबसे पहले बात किया वाशिंगटन सुंदर के बारे में, वाशिंगटन सुंदर शुरुआती से जो कि काफी कमाल कमाल के परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बात की युजवेंद्र चहल के बारे में, युजवेंद्र चहल भी काफी कमाल के परफॉर्मेंस हमेशा से वो देते आए हैं एंड इस बार भी उनके साथ जिस तरह से भरोसा जताया गया था वो भी उस भरोसा पे काफी अच्छे से उतर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बात किया नवदीप सैनी के बारे में, तो नवदीप सैनी भी जो कि काफी कमाल के परफॉर्मेंस कर रहे हैं मुंबई इंडियंस के खिलाफ, जिस तरह से उन्होंने सुपर ओवर डाला, उन्होंने
कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये यंग खिलाड़ी इतना अच्छा सुपर ओवर डालेगा, लेकिन गाइस उन्होंने काफी अच्छा सुपर ओवर डाला और उन्होंने बात किया नवदीप सैनी के ऊपर भी। उसके बाद गाइस उन्होंने बात किया क्रिस मॉरिस के बारे में, तो गाइस क्रिस मॉरिस का पिछले साल के अगर परफॉर्मेंस देखे, अच्छी परफॉर्मेंस थी उसके पिछले साल हो गए, उन्होंने बोला कि उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था एंड उनके बाद लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद किसी भी खिलाड़ी के लिए आके वापसी करना क्रिकेट में एंड इतना अच्छा परफॉर्मेंस करना ये आसान बात नहीं होता, लेकिन क्रिस मॉरिस जो कि बहुत ही कमाल के जो कि परफॉर्मेंस कर रहे हैं आरसीबी के लिए, उन्होंने ये एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं किया था क्रिस मॉरिस से, लेकिन क्रिस मॉरिस क्वालिटी प्लेयर है और वो इस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उन्होंने कभी भी ऐसा परफॉर्मेंस के बारे में उन्होंने नहीं सोचा था क्रिस मॉरिस से, लेकिन क्रिस मॉरिस कमाल के परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उसके बाद गाइस उन्होंने बोला कि आईपीएल 2020 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास यहाँ पे दम है कि वो मुंबई इंडियंस को हरा सकती है, जब वो चेन्नई सुपर किंग टीम जैसे यहाँ पे एक्सपीरियंस टीम को हरा सकती है और आरसीबी की टीम के पास इतना ताकत है कि इस बार वो आईपीएल 2020 में चैंपियन बन सकती है। तो गाइस यहाँ पे एबी डिविलियर्स की तरफ से स्टेटमेंट सामने यहाँ पे निकल कर आ रही थी, आई होप कि आरसीबी के फैंस अब सुकून की सांस लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एबी डिविलियर्स ने जब स्टेटमेंट दिया है तो उनका परफॉर्मेंस किस लेवल पे जाने वाला है आप सभी को भी अच्छी तरह से पता है और एक खिलाड़ी कमाल के परफॉर्मेंस तो दे ही रहा है। तो गाइस आपका इस बार में क्या ओपिनियन है, क्या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम आईपीएल 2020 में चैंपियन बन पाएगी या नहीं, तो फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना अपना ओपिनियन आप लोग जरूर दीजिएगा। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, एबी डिविलियर्स की स्टेटमेंट अच्छी लगी, तो प्लीज वीडियो कीजिए लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।